नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर कांग्रेस पार्टी से है, जहां पे कलेक्टर ने अभिभाषक संघ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जयसीराम बघेल एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा क्षत्रिय महासभा कुंवर अशोक सिंह भदौरिया के मेहगांव विधानसभा द्वारा सत्ता परिवर्तन रथ यात्रा के लिए मांगी हुई अनुमति को देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयसीराम बघेल के द्वारा कांग्रेस पदाधिकारी अभिभाषकों के द्वारा कांग्रेस बचाओ सत्ता परिवर्तन रथ यात्रा को निकालने के लिए जिला कलेक्टर को अनुमति के लिए आवेदन दिया, जिस पर जिला कलेक्टर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जिला कलेक्टर के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पक्षपात कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अभिभाषक रविंद्र चौधरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयसी राम ने चुनाव आयोग को शिकायत करने की बात कही है। मेहगांव विधानसभा गोहद विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पक्ष आमजन के लिए रख रही हैं। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंत्री सभी रैलियां एवं अन्य सभी जगह कार्यक्रम करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्यक्रम में करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयसीराम बघेल ने जिला कलेक्टर के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर सत्ता पक्ष के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है। अभिभाषक संघ के द्वारा कहा गया है कि यदि कांग्रेस पार्टी की सत्ता परिवर्तन रथ यात्रा करने की परमिशन नहीं मिलती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन भी करेगी। ये रिपोर्ट इमरान अली खान, ब्यूरो। ये आज हम लोग अभिभाषकों का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर रावत साहब से मिला है और हम लोगों ने ये मांग की है कि रोहन क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र मेहगांव में एक जनजागरण यात्रा पदयात्रा रथ यात्रा निकालना चाहते हैं। तो कलेक्टर को लिखित में आवेदन दिया गया, जिसमें हमारे साथी अशोक भदौरिया जी के नाम से आवेदन है। उस आवेदन में हम लोगों ने मांग की कि हम रथ यात्रा पदयात्रा क्षेत्र में निकालना चाहते हैं तो हमको अनुमति दी जाए। तो कलेक्टर ने उसका कोई जवाब न दे सकारात्मक जवाब न देते हुए टाल मटोल की कोशिश की। तो मैंने कलेक्टर भिंड से स्पष्ट रूप से कहा कि आप अनुमति दीजिए, अनुमति संवैधानिक रूप से आप देना चाहिए आपको। तमाम मंत्री और तमाम रैलियां जो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं उनको आपने अनुमति दी है कि नहीं? अगर बिना अनुमति के आपने ये सब किया है तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? और अनुमति से अगर आपने ये सर को जो असमर्थ और मजबूर है, ये भिंड के लिए कतई उचित नहीं है, जो न्याय संगत भी नहीं है, जिस कलेक्टर के अंदर भेदभाव है और सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ सही बात सही कार्य करने की क्षमता नहीं है, ऐसे कलेक्टर को जिले में रहने का अधिकार कतई नहीं है। तो भविष्य में चुनाव होने वाला है, जब एक छोटी सी परमिशन कलेक्टर महोदय नहीं दे सकते तो क्या ये विधानसभा चुनाव मेहगांव का गोहद का निष्पक्ष रूप से करा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और सिंधिया जी के प्रभाव में आकर ये सारे के सारे संभाग के कलेक्टर गलत काम कर रहे हैं। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का सदस्यता अभियान चला, परमिशन मिल गई 3 दिन के लिए, लेकिन कांग्रेस के एक परमिशन मांगी गई तो इन्होंने परमिशन दे दी। 29,000 रुपये केस जमा किया और मेला पंडाल की परमिशन हो गई। दबाव पड़ा श्रीमंत सिंधिया का और मुख्यमंत्री का, परमिशन नष्ट कर दी। उसके बाद कांग्रेस ने होकर कमलनाथ सहित सभी ने दबाव डाल के कहा कलेक्टर तुम्हारा न्यायालय नहीं चलने देंगे, धमकी किया करके। तब फिर परसों शाम को परमिशन दी गई। ये बिल्कुल पक्षपात कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय, एक बात आपको बता दें, ये भिंड जिला है, चुनाव के दौरान यदि आपने पक्षपात किया तो जो पुराने कलेक्टरों का हुआ था भागीरथ के चुनाव में, राजा हो चोरी करे न्याय कौन पे जाए, आप जिला अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, आप पक्षपात करेंगे सत्ता के साथ? आप नोट कर लो, मैं आपको चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पक्षपात किया, उन्हें परमिशन दी गई, सामान्य जनता के कार्यों के लिए कांग्रेस के लिए परमिशन नहीं दी गई, भिंड में रह नहीं पाओगे, निर्वाचन आयोग को आपकी शिकायतें प्रारंभ कर देंगे। रात और रात में सूर्य के पहले यहाँ से भागना पड़ा था, यहाँ के SDM को, यहाँ के थानेदारों को, यहाँ के तहसीलदारों को, सबको चुनाव में भगाया था। अब हमारी लिस्ट में आपका नंबर आ चुका है, इसलिए वीरेंद्र कुमार कलेक्टर महोदय, मैं जिलाध्यक्ष की हैसियत से आपसे अपील करता हूँ, होश में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष करना छोड़ दो। आप निर्वाचन अधिकारी हैं, एक न्याय की तराजू आपके हाथ है, आप अधिकारी नहीं हैं, आप निर्वाचन अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो इसलिए निर्वाचन आयोग को शिकायत भी करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर जरा भी पक्षपात कलेक्टर के द्वारा और किसी अधिकारी के द्वारा होता है, मैं शुरू कर दी निर्वाचन आयोग को शिकायत है और बताएंगे। ये यहाँ पर मंत्री के कहने से, मुख्यमंत्री के कहने से, भारतीय जनता पार्टी का